दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी चंद्रकांत श्रीवास्तव, ये सब क्या है? योर ऑनर, ये है मेरी गवाह गंगा, और गंगा हमेशा सच बोलती है। उन बदमाशों को सजा मिल गई तो बाबू भी खुश हो गए। कल आएंगे वो हमें लेने, फिर हम भी तुम्हारे घर रहेंगे। तुम्हारे घर नहीं, हमारे घर। तू अपने घर वापस जाएगी। छोटा बुआ कहती है साथ बहाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मरने वाले का मन यहीं पे लगा रहता है। अब उनकी राख भी नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? किन्नी ढील देनी है, कब मांझी खींचनी है, सब इसी खींचतान का खेल है बिटिया, समझी? दोनों जब ऐसे मिल जाए ना, तब इमें पूरा आसमान समा जाए, चंद्रमा भी तारे भी। बुरा ना मानो होली है। रुक रुक बन रही है। नहीं बाबा नहीं। भागती कहाँ है? कहाँ तक भागी बन रही है? कहाँ तक भागी है? अगर मैं झूठ बोलूं ना तो अम्मा जी मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए। इतनी सी है वो लड़की और कारनामे देखो, अपनी जान का रिस्क लिया और नंदोई जी के लिए वो गवाही दे आई। उसकी गवाही के वजह से नंदोई जी केस जीत गए। मानना पड़ेगा, दम तो है लड़की में, क्यों अम्मा जी? क्या बात है रतन की बहू, बहुत शहद निकल रहा है तेरी जुबान से आज। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, समझ गई। चेहरे पे नमक छिड़क रही है ना उस गंगा की तारीफ करके। अम्मा जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी इतनी मजाल, मैं तो आपको सिर्फ सावधान कर रही हूँ। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि गंगा की गवाही के वजह से नंदोई जी केस जीत गए। इसका मतलब ये है कि नंदोई जी के दिल में जितनी नाराजगी थी ना, वो दूर हो गई। आपका लल्ला तो गंगा के आगे पीछे चक्कर काटता रहता है। अब अम्मा जी, कल सुबह होते ही नंदोई जी अपनी लाडली को घर पे ले आएंगे और दोपहर होते ही वो बंदरिया आपके आगे पीछे फुदकती हुई नजर आएगी, है ना अम्मा जी? वैसे प्रभा मामी,
आपको तो बड़ा मजा आता है ना बंदरिया का नाच देखने में। पता नहीं कुछ लोगों को अपना बिजनेस माइंड करना क्यों नहीं आता। मैरी एक काम करो, किचन में जाओ और जाके ना मेरे लिए कुछ खाने को लाओ और एक ग्लास पानी अम्मा जी के लिए भी ले आना, बेचारी का कितना गला सूख रहा है टेंशन के मारे। जाओ। माफ करना अम्मा जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आपका लल्ला तो इस लड़की के पीछे बावला सा हो गया। इतनी गहरी दोस्ती, हाय राम। अम्मा जी लोग क्या कहेंगे, मुझे तो डर है कि ये बचपन की दोस्ती बड़े होने के बाद इतनी गहरी ना हो जाए कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। अम्मा जी सागर कहाँ है, क्या वो भी घाट पे गया क्या गंगा के साथ? बहू, ओ बहू, पुलकित को फोन लगा, देख लल्ला उसके साथ है कि नहीं। किसकी यादों को गोद में समेट के बैठी हो बिटिया? जाने दी बिटिया, मरने वाले चले गए मोह माया त्याग के, उनसे कैसा मोह, ये सब व्यर्थ है। उठो बेटा, बहा दो इन अस्थियों को। देखो बेटा, थोड़ी देर में शाम होने वाली है और शाम होने के बाद में अस्थियों को विसर्जित नहीं किया जाता। भी आ गए वो, अगर उन्होंने गंगा को देख लिया तो वो ले जाएंगे उसे अपने साथ।
बिटिया अस्थियों को बहा दे, जब शरीर ही चला गया तो क्या करेगी इन अस्थियों का। नहीं घबरा बिटिया, बहा दे। इसे बहा दिया तो हमरे लिए तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा ना पप्पा, चले जाओगे तुम हमेशा के लिए, फिर याद करने पे भी नहीं आए तो कैसे नहीं आएंगे बिटिया। तोरे लिए हमारा प्यार कभी खत्म हो सकता है का? हाँ, देखे सारे धागे टूट भी जाए ना तो भी आत्मा का धागा जुड़ा रहता है बिटिया। तू तो हमारी आत्मा है, कोई अपनी आत्मा से अलग हो सकता है का? नहीं ना, नहीं बिटिया, जीते जी भी ना ही और जीवन के बाद भी ना ही। बाद है जो गुजर गया उका बहने दे गुड़िया, अपने पप्पा की अस्थियों को गंगा मैया को दे दे। नहीं पप्पा, अब तो हो गया ना। चल गंगा बहू, तो फोन ही नहीं लग रहा है। अरे जरूरत पड़ने पे फोन ना लगे तो क्या फायदा ऐसे फोन का। ओ महाराज जी भी देखो, गए थे बाजार सब्जी लाने, लगता है वही घर बसा लिया। अम्मा जी मुझे बहुत चिंता हो रही है, शाम होने को आई है, अंधेरा हो गया है और सागर का कुछ पता नहीं। आजकल दिन ढलने के साथ ठंड पड़ने लग जाती है, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। वेशा से कहती आई हूँ कि वो लड़की की संगत अच्छी नहीं है लल्ला के लिए। बताओ अभी तो इलाहाबाद से आया है, ये नहीं कि घर आओ दो टूक बैठो या चाय नाश्ता करो हम लोगों के साथ, पर नहीं, गया है वो गंगा घाट उस आफत की पुड़िया के साथ। मची बिल्कुल सही कहा, तो हमारे लल्ला की तबीयत ठीक नहीं रहती, हेल्थ इश्यू है ना उसको, है ना? और ऊपर से इस हालत में वो बाहर ठंडी हवा में घूम रहे, वो भी उस लड़की के लिए। बचपन में ये लड़की हमारे लल्ला को अपने उंगलियों पे नचा रही है, भगवान जाने जब जवान होगी तो क्या करेगी। प्रभा हद करती हो तुम, दोनों बच्चे हैं, मासूम हैं, कुछ भी बोलती हो ना। अम्मा जी
मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि दीदी नाराज होकर चली गई? हाँ जी, समय पे अगर दीदी इन दोनों बच्चों को डांट देती ना, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता, ऐसे परेशान नहीं बैठी होती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि दीदी को कुछ नजर क्यों नहीं आता। अम्मा जी, मुझे तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। अम्मा जी, ये लड़की हमारे लल्ला को लट्टों की तरह घुमाएगी अपने इशारों पे, आप देख लीजिएगा। और मुझे तो दुख आपके लिए हो रहा है अम्मा जी, मेरा दिल रो रहा है आपके लिए। एक अच्छा खासा मौका मिला था इस बला से पीछा छुड़ाने का, पर आपने ना वो मौका गवा दिया। अम्मा जी, विधवा आश्रम तक भेज दिया उसको, पर वहां से भी छोटे सिक्के की तरह वापस लौट रही है अम्मा जी। अब मुझे टेंशन ये है कि हम इससे दोबारा पीछा छुड़ा पाएंगे कि नहीं, कि पूरी जिंदगी ये हमारे छाती पे बैठ के मूंग दलेगी। अम्मा जी बताइए मुझे। बस रतन की बहू, बस। ये मेरे परिवार का मामला है, मैं खुद सुलट लूंगी। तू जा अपने घर। अम्मा जी, आपने तो कहा था ना कि मैं इस शैतान की नानी को इस घर में आने नहीं दूंगी, लेकिन वो तो फिर से वापस आ रही है। पगला गई है मेरी? तू भी मुझे दो बात सुनाएगी? अगर इतनी होशियार होती ना, तो मेरे घर में झाड़ू पोछा नहीं करती होती। जा अपना काम कर। जी। भगवान जाने जब जवान होगी तो क्या करेगी। ये लड़की हमारे लल्ला को लट्टों की तरह घुमाएगी अपने इशारों पे, आप देख लीजिएगा। एक अच्छा खासा मौका मिला था इस बला से पीछा छुड़ाने का, पर आपने ना वो मौका गवा दिया। अम्मा जी, विधवा आश्रम तक भेज दिया उसको, और वहां से भी छोटे सिक्के की तरह वापस लौट रही है अम्मा जी। नाम गंगा है, पर अब से तुम हमार बहू हो। कितना खुश आए थे हम गोना कराने, अपना बिटवा का बेजान शरीर लेके जाएंगे। और दोरी मार तो तुझ पर पड़ी है बिटवा, तेरे बाप का साया भी उठ गया सिर से, और देखना तू अनाथ हो गई और विधवा भी हो गई। बहू तो होगी ना, क्या नाम उसका? गंगा। वो भी मर गई। गंगा, तेरा ससुर हूं बेटा मैं, तुझे ले जाने आए। मेरे साथ चलेगी ना बेटा? आजा चल। गंगा पीछे बचा, गंगा पीछे बचा, गंगा पीछे बचा, गिर जाएगी। गंगा, ये तो साकर, बोलो इनको कि चले जाएं यहाँ से। साकर बोलो ना, पूछो इनसे कि किस लिए आए हैं यहाँ। बेटा, तेरे ससुर हैं हम, बहू है तू हमारी, इसीलिए तो तुझे लेने आया हूँ बेटा। गंगा आपको जाने के लिए बोली है ना, सुना नहीं आपने? जाइए ऐसे प्लीज। गंगा आपके साथ नहीं जाएगी, अब जाइए प्लीज। ए, तू हमारे बीच में मत बोल,
झूठा है तू। गंगा की फोटो देखकर बोला था इसको नहीं जानता मैं, बोला था ना। अब बता कौन है लड़की, बता बोला। और छोड़ अपना हाथ, बहू है मेरी ये, और मेरे साथ घर चलेगी, अपने घर।